सीएम योगी जी की मिल्कीपुर जनसभा में उषा रावत ने अपने हजारों समर्थकों के साथ दिखाई अपनी ताकत। सीएम योगी ने मिल्कीपुर क्षेत्र को 1,000 करोड़ की 83 परियोजनाओं का दिया तोहफा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा मिल्कीपुर आगमन पर 273 विधानसभा मिल्कीपुर की प्रबल भाजपा प्रत्याशी उषा रावत, पूर्व अध्यक्ष राज्य महिला आयोग ने अपने हजारों साथियों के साथ जनसभा स्थल पहुंचकर अपनी दावेदारी को पेश किया। इस संबंध में बोलते हुए मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी उषा रावत ने कहा कि अगर शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें मिल्कीपुर उपचुनाव में मौका दिया तो वह मिल्कीपुर क्षेत्र का संपूर्ण विकास करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगी और क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण करने के लिए शासन स्तर पर लगातार प्रयास करते हुए क्षेत्र का विकास और जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता रहेगी। 30,000 करोड़ रुपए की इतना विकास कांग्रेस के 60 वर्ष के कार्यकाल में नहीं हुआ, इतना विकास समाजवादी पार्टी की 4-4 बार सरकारें थी कभी नहीं हुआ, जितना विकास का कार्य अकेले डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र 6-7 वर्ष के अंदर किया है। 1,500 रुपए की परियोजनाओं का सौगात लेकर के फिर मंच हमारे जनप्रतिनिधि आपके अयोध्या के लिए आए हुए हैं। भाइयों, आज तो मैं आपसे कहने के लिए आया हूं इसी बात को लेकर के, इसी अयोध्या में हम लोगों ने यहां के विकास के लिए आज आप देख सकते हैं 6,461 दुकानों को भी पुनर्वास किया गया, किसी को दुकान दी गई, किसी को कंपनसेशन दिया गया, किसी को एफएआर में छूट दे करके उसी जमीन पर पीछे साइड को दुकान बनाने की। मुख्यमंत्री जी ने जो इतनी करोड़ संपत्ति के आधार पर दिया है तो ये आप लोगों को मालूम ही है कि योगी सरकार जो है हमेशा विकास का कार्य करती है और विकास के ही उद्देश्य से उन्होंने सारे कार्य किए हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ मिल्कीपुर के ये सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए और हमारी यहाँ जनता के लिए इतना दे रहे हैं कि हम लोग मतलब एकदम से जैसे थी खुशी की लहर फैल गई है पूरे क्षेत्र में कि लोग महसूस कर रहे हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में हम लोगों को अच्छी ज़िंदगी और अच्छा सुकून का महसूस हो रहा है। देखिए जनता की सेवा के लिए देखिए माँ जन्म देती है, बच्चों को पढ़ाती लिखाती है, लेकिन हम लोगों के सर पे जो ताज पहना जाता है वो हमारी जनता है। मेरी जनता जो है मैं इसको अपने पुत्रवत अपने बच्चों की तरह मानती हूँ, एक माँ जैसे अपने बच्चों को पालन पोषण करती है। आज करूँगी और क्षेत्र के लोगों के लिए करूँगी। अगर बढ़िया आ रहा है जनता का बहुत स्नेह मिला है, यहाँ तक लोग कहते हैं कि बस टिकट फाइनल करके आ जाइए और चुनाव तो जीता हुआ है। अरे जो विकास हमारे बड़े नेताओं ने किया है उसके अलावा मैं अपने क्षेत्र में अपने भाइयों हमने इतनी बड़ी बात कह दिया कि माँ की तरह अपने क्षेत्र को मैं सेवा करूँगी, उसको मानूंगी। तो स्त्री कभी झूठ नहीं बोलती है क्योंकि हम माँ हैं, माँ की ममता अलग होती है, वो हमेशा अच्छी बात ही बोलती है, बच्चों को पालन पोषण करती है। लेकिन हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हमें क्षेत्र वाले इस लायक बनाएंगे तो हम जो है अपनी जनता का एक माँ सेवा करूँगी।